हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज तक 27 मैचेस हुए हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स 18 मैचेस जीती है। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। बट उससे पहले दोस्तों, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2021 का 35वां मैच विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में आपके लिए खास क्या है। अगर आपको दोस्तों जानना है कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, साथ ही साथ कौन कौन से बदलाव के साथ दोनों टीम्स उतरेंगी, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। ओपनिंग दोस्तों आपको करते दिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसिस, दोनों कमाल के फॉर्म में हैं और यही दोनों आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3-4-5 की बात करें तो 3 नंबर पर होंगे मोइन अली, 4 नंबर पर होंगे सुरेश रैना और 5 नंबर पर खेलेंगे अंबती रायडू। अंबती रायडू पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, जो कि यहां पर खबर आ रही है। इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिकॉज सबसे पहले हमने आपको ये चीज़ बताई है। उसके बाद है यहां पर दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, सैम करन और रविंद्र जडेजा। सैम करन का दोस्तों क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो चुका है और वो इस टीम के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और वो ये मैच आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। 3 बॉलर्स की बात करें सो यहाँ पर हैं ड्वेन ब्रावो, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। ये रहने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। आपको एक प्लेइंग 11 कैसी दिखाई दे रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब बात करते हैं विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन यहाँ पर नेट्स में विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका मतलब ये है देवदत्त पड़िकल और मोहम्मद अजहरुद्दीन आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। ये न्यूज़ भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है और कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। जहाँ पर 3 नंबर पर आएंगे विराट कोहली और 4 नंबर पर खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, वहीं पर 5 नंबर पर आएंगे एबी डिविलियर्स। सो ये मिडिल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हैवी मिडिल ऑर्डर रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो बड़ा बदलाव सामने आ रहा है वो है टिम डेविड का और शहबाज अहमद का, और उसके बाद आएंगे काइल जेमिसन। टिम डेविड को दोस्तों यहाँ पर मौका मिलने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वो जिस फॉर्म में है इस टीम को उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आरसीबी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो गेम को फिनिश कर सके वो लैक कर रहा है। बात करें इनके 3 फास्ट बॉलर्स की, सो वो हैं हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। यह दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फाइनल प्लेइंग 11। अब बात करते हैं कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। रिसेंट फॉर्म को देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स का फॉर्म कमाल का है, हेड टू हेड में भी उनका पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है। आरसीबी के रिसेंट मैचेस अच्छे नहीं गए हैं और वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फील कर रही है। सीएसके विल गो एज अ स्ट्रॉन्ग फेवरेट इन दिस गेम। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।